सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाले या रिडॉक्स वाले बुकलेट का, और इस वीक के एंड तक तो तुम लोगों को उसका हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा बेटा, है ना, मॉड्यूल 3 का, मॉड्यूल 3 केमिस्ट्री, मॉड्यूल फिजिक्स 3, मॉड्यूल 3 मैथ, है ना। ठीक है, ओके सर। सर मॉड्यूल 2 नहीं है मेरे पास सर, मैं नहीं गया तो सर अवेलेबल होगा? बिल्कुल अवेलेबल होगा ना। ओके, मॉड्यूल 2 कलेक्ट करो, फिर मॉड्यूल 3 भी है जाए ना। हाँ सर, दोनों फिर एक साथ करना कलेक्ट। ठीक, जल्दी से कलेक्ट करो उसको प्लस। ओके, इसका शॉर्ट क्विज मैं भेज दूंगा, प्लस हम लोग और जो एग्जांपल्स करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस के, उसका मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा तुम लोगों को आज, है ना, और एग्जांपल भी आज करेंगे इसका बेटा। एबीवाई पीडीएफ तुम आज ही भेज दूंगा इसका। केवीपीवाई का कौन से, तू कौन से सेंटर में बेटा? सर मैं प्रतिना आरटीपीएस। अरे तो अभी नहीं मिला तुम लोगों को? हाँ नहीं सर, नहीं सर मिल गया। जो मिलने वाली थी वो एक रह गई है, फर्स्ट ट्यूसडे को खत्म हो गया था, फिर उसके बाद बताया नहीं कब मिलेगा। सर बोरीवली सेंटर पे है। हाँ ये बोरीवली सेंटर पे है, पक्का है। ठीक है, तो जिस बच्चों को केवीपीआई नहीं मिला होगा लोग पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, मैं दिलवा दूंगा बेटा, आ जाएगा नेक्स्ट वीक तक। प्रिंट खत्म भी हो गया तो और प्रिंट करके आ जाएगा, है ना। ठीक है सर, ठीक है। सो फर्दर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इन द केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन टिल नाउ एज पर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज कंसर्न, कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने सीखे थे। हम लोगों ने सीखा भी था कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एक बैलेंसिंग का एग्जांपल है। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग बैलेंस करेंगे, उसके लिए हम लोग उसका आयोनिक फॉर्म लिख रहे थे, और 5 to 6 स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस भी लिखे थे ना, कि कैसे कैसे बैलेंसिंग करेंगे हम लोग। यस सर, यस सर, है ना। हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स आज करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को लेके, है ना। किसी बच्चे को लास्ट लेक्चर के ये तुम लोग का गैसेस स्टेट सॉल्व करके हो गया सब बच्चों का कि नहीं हुआ है? नहीं सर, थोड़ा बाकी है। नहीं थोड़ा बचा है, थोड़ा बाकी। नहीं, केविन ने तो मुझे भेजा भी है। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट्स रहेगा तो क्लास के एंड में जो कुछ डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। थर्ड रिएक्शन जो हम लोग बैलेंसिंग के लिए सीख सकते हैं, मैं 5-6 एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा बेटा, 1 by 1, है ना। सो लेट्स रीड द थर्ड एग्जांपल फॉर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सपोज इफ इट इज लेट्स से फास्फोरस व्हेन ट्रीटेड विद लेट्स से HNO3 प्लस लेट्स से H2O एंड इट्स प्रोडक्ट मे बी H3PO4 and this product may be let's say NO. So if you see step 1 क्या होता था बेटा इस रिएक्शन के लिए? Write the oxidation state, reducing and oxidizing agent. So हम लोग आइडेंटिफाई करते थे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ऑब्वियसली यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, और यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है ना। सो इन दिस केस फॉस्फोरस कैन कंबाइन विद लेट्स से HNO3, इट गिव लेट्स से H3PO4 एंड इट गिव NO, है ना। सो ये एटलीस्ट वी कैन आइडेंटिफाई कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और लेट्स से कौन सा यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Now in the case of let's say step 2, क्या कर सकते थे हम लोग? इस रिएक्शन को आयोनिक फॉर्म में लिख लेते थे, है ना। यस यस, तो जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ फॉस्फोरस है, एज पर HNO3 इज कंसर्न ये कैसे आयोनाइज कर सकता था बेटा? H+ एंड नाइट्रेट आयन, है ना। यस सर, यस सर। तो ये आयोनाइज करके बन जाता यहाँ लेट्स से नाइट्रेट आयन। अच्छा, एज पर H3PO4 इज कंसर्न ये कैसे आयोनाइज हो सकता था? 3H+ एंड फॉस्फेट आयन। यस प्लस लेट्स से NO, तो कोवेलेंट कंपाउंड है, उसका फर्दर आयोनाइजेशन नहीं होता, है ना। स्टेप 3 में क्या करते थे फिर हम लोग? तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को दो पार्ट में अलग करते हैं। को हम लोग सेपरेट कर लेते थे तो ऑक्सीडेशन हाफ हो जाता फास्फोरस कन्वर्ट इनटू फास्फेट आयन एंड रिडक्शन हाफ हो जाता नाइट्रेट आयन कन्वर्टिंग टू लेट्स से NO। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? नेक्स्ट स्टेप क्या होता था इस बैलेंसिंग में? इनके ऑक्सीडेशन नंबर adding the electrons. Very good. So can we say 5 electrons can be added on this side, and let's say 3 electron can be added on this side. So oxidation number भी balance हो जाता, such that इसको मुझे 5 से multiply कर देना चाहिए और इसको मुझे 3 से multiply कर देना चाहिए. Net electron transfer should be 0, है ना? So this reaction should be, हाँ बोलो बच्चे। तो PO4 3 minus पे plus 3 होगा कि plus 5? बेटा PO4 3 minus पे plus 5 होगा बेटा। Since all 4 oxygen मिला के minus 8 हो गया है और net resultant charge अगर -3 है तो phosphorus पे +5 बचा ना। Okay sir. Then this reaction should be let's say 3 phosphorus plus let's say it is 5 nitrate ion. should give let's say ये आ जाता मेरे पास 3 phosphate ion and do you think ये आ जाता 5 NO। ऐसा बैलेंसिंग दिखेगा कि नहीं दिखेगा यहाँ? Yes sir. अच्छा yes sir. In the next step you can say let's say step 4. Step 4 में हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। रिएक्टेंट साइड वी हैव हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम? 15. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, product side we have how many oxygen atom? 17. 17. So मैं यहाँ, do you think 2H2O add करना चाहिए मुझे यहाँ? और 4H+ मुझे इधर add कर देना चाहिए। अब yes. दोनों साइड जो number of oxygen atom है वो 17 हो गए कि नहीं हुए हैं? The 17 atom हो गया है ना दोनों साइड? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes. Now in the case of step 5, मुझे इस रिएक्शन को वापस बस ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है ना? So ओरिजिनल फॉर्म में लिखने के लिए एक तो आ गया है 3P+। Do you think नाइट्रेट आयन को किस फॉर्म में लिखना है बेटा मुझे ऊपर? HNO3. HNO3 के टर्म्स में लिखना है तो डू यू थिंक 5H+ और इधर भी 5H+ मुझे ऐड कर देना चाहिए एडिशनली, सच दैट ये हो गया 5HNO3 प्लस लेट्स से ये हो गया 2H2। तो रिएक्टेंट साइड तो पूरा सैचुरेट हो गया है। एज पर प्रोडक्ट साइड इज कंसर्न सब मिला के कितने H हो गए बेटा यहाँ? 9. Yes, sir. मैं ये सब मिला के मैं इसको ऐसा लिख सकता था कि 3H3PO4 and let's say it is 5NO। So ये मेरे पास बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है अभी, है ना? मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, ये जो हम लोग सारे स्टेप्स लिख रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि हम लोग सारे स्टेप्स हर बार लिखेंगे, है ना? ये सब लिख के हुआ है? यस सर, लिख लिया। नहीं सर, नहीं सर, 2 मिनट। यस, जल्दी से हम लोग समझ भी लेंगे इसको अभी। देखो मैं और एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा, शायद थोड़े थोड़े तुम लोग हैबिचुअल होते जाओ कि ये बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या है। बेटा मुझे हर बार इतने सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं होगी, है ना। यस सर, देखो मैं 2-3 रिएक्शन तुम लोग एकदम छोटा छोटा करके भी दिखाता हूँ, है ना। हाँ सर हो गया, लिख के हो गया, बट सब बच्चों का लिख के हो गया है। हाँ सर। ओके सो नेक्स्ट लेट्स से यस तनिष्क, बेटा हम लोग एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में भी करेंगे। अभी फॉर्चुनेटली हम लोग एसिडिक मीडियम में ही कर रहे थे, 2 एग्जाम्पल हम लोग बेसिक मीडियम के भी देख लेंगे, है ना। So let's say it is 4th example. This may be, suppose reaction is given as I2 plus, let's say it is dichromate ion in presence of H plus, and suppose यहाँ ये Cr3+ बन जाना था, यहाँ ये IO3- बन जाना था, और let's say यहाँ H2O है suppose। चलो मैं दिखाता हूँ कि कितनी जल्दी जल्दी किया जा सकता है। भाई एक मेथड तो वही है, मैं 5-6 स्टेप सारे लिख के कर लूं, है ना। और दूसरा है कि मैं सारे स्टेप्स ना लिखूं, बस यही, क्योंकि नाउ इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन जेईई, तो मुझे पूरे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है ना, शायद बैलेंस करते समय। भाई अगर मुझे बोर्ड के लिए लिखना हो तो अलग कहानी है ना, बोर्ड के लिए मुझे सारे स्टेप्स लिखने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, है ना। यस सर, देखो सारे स्टेप्स भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसा यहाँ मैं सिंपल बस समझ सकता था, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ 0 है, और यहाँ जो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5 है। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, और डू यू थिंक यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। सर हाँ बोलो। सर आपका वॉइस थोड़ा लैग हो रहा था अभी, आप बता दो कि अभी आपने क्या बोला था। यस मैंने कुछ इतना ही बोला बेटा कि जो मुझे सारे के सारे स्टेप्स भी लिखने की जरूरत नहीं है। Now since it is objective type of questions, तो मैं जल्दी से करने की कोशिश करूंगा ना उस बैलेंसिंग को, है ना। अच्छा सर, जैसा कैन वी से रिएक्टेंट साइड 2 क्रोमियम है तो पहले एटलीस्ट मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, रिएक्टेंट साइड 2 आयोडीन है तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एटलीस्ट जिन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है वो बैलेंस हो गया कि नहीं हुआ है। यस सर हो गए। अच्छा बढ़िया। नाउ As per iodine, I2 is concern, ये convert हो रहा है मेरे पास IO3- में। How many electron it has to lose? 5, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। 2 आयोडीन एटम के लिए 10 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये, है ना। Yes sir. अच्छा as per let's say this chromium is concern, how many electron it will gain? 6 टोटल 6 वेरी गुड, 6 इलेक्ट्रॉन इट विल गेन। दोनों का एलसीएम क्या होने वाला है बेटा, 10 और 6 का 30। तो डू थिंक अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये टोटल चार्ज एटलीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाता है क्या। तो बस इस आयोडीन को अब मैं लिख सकता हूं यहाँ 6, और क्रोमियम को यहाँ मैं लिख सकता हूं 10, डू यू थिंक ऑक्सीडेशन नंबर सब बैलेंस करके हो गया है। सर नहीं समझा सर, ये वाला पार्ट नहीं समझा। सब मिला के मैं ये बोलना चाहता ना, 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस 10 इलेक्ट्रॉन का गेन, है ना इफेक्टिवली। मतलब I2 ने सर I के लिए ना 10 इलेक्ट्रॉन्स का, I2 के लिए था ना 10। हाँ सर वही, तो I2 ने अगर 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और डाइक्रोमेट आयन ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो एक को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो डू थिंक 30 इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड 30 इलेक्ट्रॉन का गेन आ जाता। यस सर, तो वही किया है ना मैंने, एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जैसे ही आयोडीन एटम रिएक्टेंट साइड में 6 होते तो प्रोडक्ट साइड में भी 6 होने चाहिए। जैसे ही क्रोमियम एटम रिएक्टेंट साइड में टैन है, डू यू थिंक प्रोडक्ट साइड में भी टैन हो जाने चाहिए? यस सर, यस सर। अच्छा, अब बस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, लेट से मेरे पास बचा हुआ है, मैं ऑक्सीजन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कितने ऑक्सीजन एटम हैं अभी? 35। यस सर, यस सर, यस सर। प्रोडक्ट साइड में H2O मिला के हटा के कितने हैं? 18। तो 35 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बच गया? 17। तो यहाँ मेरे पास 17 H2O आ जाना चाहिए था, एंड थिंक यहाँ मेरे पास लेट्स से 34 H+ आ जाना चाहिए था। यस सर। तो ये मेरे पास बैलेंस हो गया, मैंने बहुत सारे स्टेप्स लिखे ही नहीं हुए, देखो है ना। और ऑब्वियसली अच्छा किया वही है बेटा, सब कुछ है ना, किया सब कुछ वही है हम लोगों ने, जो सारे स्टेप्स लिख के कर रहे थे हम लोग, बस सब मेंटली कर लिया ना। इस बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, यस यस सर। चलो मैं एक और ऐसा ही छोटा सा ही करके दिखा देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा और बड़ा भी करके दिखाऊंगा, मतलब तुम किस तरीके से तुम लोग करना चाहते हो बेसिकली, है ना। ऑब्वियसली प्रैक्टिस, तुम लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का, शायद उतना ज्यादा जल्दी कर सकते हो, है ना। यस, देखो मैं एक और छोटा सा ऐसे करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वन, सपोज इफ इट इज As2O3 arsenic oxide. Arsenic oxide when treated with nitrate ion, it gave let's say H3AsO4 and let's say it gave N2O3. No, let's say ऐसा कोई रिएक्शन है। So as per As2O3 is concerned, do you think आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3 है और यहाँ आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। सो एज पर इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन इज कंसर्न, डू यू थिंक एज पर आर्सेनिक इज कंसर्न, दो आर्सेनिक एटम के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट हैज टू लूज? 6 ना बेटा, +3 से +5 बनना है उसको। 4। So do you think 4 electron it has to lose, है ना? Yes? Yes sir. और नाइट्रेट आयन के लिए लेट्स से 1 नाइट्रेट आयन के लिए देख लेते हैं पहले, +5 से +3 बनने के लिए डू यू थिंक इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन? यस सर, यस सर, 2 इट विल गेन लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन। तो बड़ा सिंपल सा हो गया। डू यू थिंक अगर मैं बस इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डू यू थिंक 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड 4 इलेक्ट्रॉन का गेन आ गया? यस सर। और बस मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, एटलीस्ट दोनों साइड वी हैव 2 आर्सेनिक एटम। यस सर। क्या बैलेंस करना बाकी रह गया है? बस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। यस सर। ओके, लेफ्ट हैंड साइड वी हैव हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स सब मिला के बेटा? 9। यस सर। अच्छा, प्रोडक्ट साइड में कितना है? 11। तो डू यू थिंक आई हैव टू ऐड 2H2O ऑन दिस साइड? तो भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया कि नहीं हुआ है? ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। यस सर। हाँ सर। अच्छा, अब ऑलरेडी प्रोडक्ट साइड में क्या एक्स्ट्रा है? H+। कितने H+ एक्स्ट्रा है प्रोडक्ट साइड में? प्रोडक्ट साइड में जो H+ है, प्रोडक्ट साइड में जो H+ है, देखो 6H+ यहाँ है और यहाँ अभी तक मेरे पास 4H+ ही आया, तो O2H+ इधर ऐड कर दो। यस। यस, ये देखो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया है पूरा, ये बैलेंस रिएक्शन है। सर आप बस इस तरफ ऐड ही कर दो, उस तरफ दोनों तरफ ऐड करना पड़ता है ना बेटा, दोनों साइड ऐड करना चाहिए। बट अगर ऑलरेडी वहां H+ है तो मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है ना बेटा उधर। लेकिन एसिड तो फिर हम दो से ऐड कर सकते हैं। बेटा मैं फिर से बोला था, तब जब हम लोग ऐड करते थे तो इसको आयोनिक फॉर्म में हटा के हम लोग H+ को हटा भी तो देते थे यहाँ से। बेटा जब हम लोग ऐड कर रहे थे H+ तो उस H+ को हटा भी तो देते थे हम लोग पहले। अच्छा वही H+ को तो मुझे वापस लिखना ही है ना इवेंचुअली। बेटा उसी H+ को तो मुझे हटा के बाद में लिखना भी था ना इवेंचुअली। नहीं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, या तो मैं बहुत बड़ा रिएक्शन लिख के बैलेंस कर लूं या ऐसा छोटे स्टेप्स में भी मैं बैलेंस कर सकता हूँ, है ना। मुझे रिएक्शंस क्या लिखा है वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? यस सर। ऐसा झूठ झूठ नहीं बोल देना। yes. मैं फिर मैं कुछ फोर्थ वाला फिर से समझा सकता है क्या? वो मुझे इतना सर एक बार फिर से समझा दो। तुम लोग ना सारे स्टेप लिख के ही करो तुम लोग, है ना। अच्छा कौन सा वाला बताना, बताओ मुझे। मुझे लग रहा है तुम लोग जल्दी कर लोगे। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, काफी हद तक समझा, एक दो स्टेप्स में थोड़ी क्लियर नहीं हुआ। बेटा मैं सिर्फ ये बोल रहा, जैसे फोर्थ में आयोडीन आई टू मॉलिक्यूल के लिए देखो उसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए कि नहीं किए हैं। आयोडीन 0 से +5 बन रहा था। यस सर। तो आयोडीन एटम के लिए 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो I2 के लिए 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस। यस सर। अच्छा डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम, एक क्रोमियम एटम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का गेन, सो फॉर बोथ क्रोमियम एटम 6 इलेक्ट्रॉन का गेन। Now in balance redox reaction जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है उतने ही इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए। Yes sir. So जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है अगर उतने इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए, तो एक को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और एक को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, such that 30 इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड 30 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए। और जब वो चार्ज बैलेंस हो गया उसके बाद बस मैं एटम्स को बैलेंस कर दूं, जो नॉर्मल बैलेंसिंग ऑफ एटम्स है। नहीं हाँ सर क्लियर है। चलो मुझे मैं और दो बैलेंस करके दिखाता हूँ, है ना सर। 1 मिनट लिखना थोड़ा सा। हाँ, देखो मैं और 2 रिएक्शन बैलेंस करके दिखाऊंगा और उतने में समझ में नहीं आएगा तो मैं और 1 3 करके दिखाऊंगा, है ना सर। हमें पहले H2 ऐड करना होता है कि H+ ऐड करना होता है? मतलब अगर दोनों साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एलिमेंट्स का बैलेंस सब बैलेंस हो गया है तो मैं ऑक्सीजन एटम चेक कर सकता हूँ या हाइड्रोजन एटम चेक कर सकता हूँ, कोई भी एक बैलेंस कर दो पूरा, है ना, जो तेरा मन करता है, जिस सीक्वेंस में तुझे मन करता है ना। ओके okay. बेटा 2 रिएक्शंस लिख के हुआ है। यस सर लिख लिया। ठीक बढ़िया। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स से सपोज इफ इट इज बैलेंसिंग, क्वेश्चन में गिवन होता बैलेंसिंग इन लेट्स से बेसिक मीडियम। सपोज इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन एज यू हैव टू बैलेंस इन बेसिक मीडियम and this reaction may be suppose Fe3O4 plus it is MnO4 minus is converting to Fe2O3 and suppose it is MnO2. Yes, तुम लोग मुझे बताओ मैं सारे स्टेप्स लिख के करूं या जैसा बात के 2 क्वेश्चन शॉर्टकट में हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वैसा करूं? सर एक लिख के कर सकते हैं। अच्छा चलो मैं दोनों का बीच का पाथ निकालता हूँ, है ना। ना तो मैं एकदम ही शॉर्ट में निपटाता हूँ ना ही मैं, मतलब थोड़ा बीच वाला पार्ट देख लेते हैं, आसान है ना। मतलब कितने भी स्टेप्स तुम लोग स्किप कर सकते हो यार, मतलब इवेंचुअली आंसर आना चाहिए। चलो ये लिख लेते हैं Fe3O4 is converting to Fe2O3 और एक रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं लेट्स से MnO4 माइनस कन्वर्टिंग टू लेट्स से MnO2, ये लिखेंगे ना हम लोग। यस सर, एक में रिडक्शन हुआ है, एक में ऑक्सीडेशन हुआ है, तो पहले तो इनके एटम्स ही बैलेंस कर ले हम लोग आयरन के। डू यू थिंक यहाँ 3 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयरन के एटम्स बैलेंस हो गए। यस सर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4 प्लस कितना है? प्लस 8 by 3। यस सर, मतलब 3 ऑक्सीजन में 3 आयरन है तो 8 by 3 हो जाएगा। प्रोडक्ट साइड में डू यू थिंक इट विल बी 3? यस सर। अच्छा, इन द केस ऑफ KMnO4 माइनस डू यू थिंक मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर विल बी प्लस 7? यस सर। और यहाँ डू यू थिंक मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर इज प्लस 4? यस सर। चलो अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर लेते हैं लिख के ही। टोटल आयरन पे कितना चार्ज है बेटा रिएक्टेंट साइड में? आयरन पे रिएक्टेंट साइड में टोटल चार्ज कितना है? प्लस 8 by 3 16 by 3 ना बेटा 16 by 3 को फिर 3 से कौन मल्टीप्लाई करेगा? सर 16 ये चार्ज फाइंड आउट करना है बेटा मुझे, तो डू थिंक ये प्लस 16 है। यस सर, तो वहां मेरे पास जो रिएक्टेंट साइड में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो प्लस 16 है। प्रोडक्ट साइड में टोटल चार्ज कितना है? 18 प्लस 18 है प्लस 16 है, तो डू यू थिंक इट हैज टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन? यस सर। यस सर। अच्छा, प्लस 7 से प्लस 4 बनने के लिए डू यू थिंक इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन? 3। यस। अच्छा, मैं यही बोल रहा था बेटा कि इंस्टेड ऑफ मैंने सेपरेटली ये 2 रिएक्शन लिखा, डू यू थिंक उसी ऊपर वाली रिएक्शन में मैं एरोज बना के लिख सकता था ऐसा ही, है ना? हाँ सर, बात वही है। हाँ, बात तो वही था ना, मतलब यहाँ पर लिख ले रहे हैं और वहां हम लोग उसी रिएक्शन में ही कुछ कर ले रहे थे जल्दी जल्दी, है ना? तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस, तुम लोगों ने कितना प्रैक्टिस किया है, तुम लोगों के लिए भी धीरे धीरे कन्वीनियंट हो पाएगा कि मैं एक साथ ही लिख के कर लूं, है ना? यस सर। एनीवे, एक को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, एक को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, यू विल गेट इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाता और ओवरऑल रिएक्शन ऐसा देखता। देखो 6 Fe3O4 प्लस डू थिंक ये हो जाता 2 Km पर मैग्नेट आयन should give 9 Fe2O3 and do you think ये हो जाता 2 MnO2? Yes sir. अच्छा, तो ये बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, है ना? Yes or no? चलो अब मुझे जल्दी से बताओ सर। एक चीज समझ में नहीं है सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो सर। वो आपने Fe3O4 gives Fe2O3 plus 2 में, फिर सर उधर आपने 2 और 3 कैसे लिखा? कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट 2 और 3 बेटा आयरन को तो बैलेंस करेगा कि नहीं बेटा? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको तो पक्का बैलेंस करेगा ना, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अच्छा, जैसे दोनों साइड कम से कम 6 आयरन एटम है ये तो दिखाएगा। Yes sir. क्योंकि उसके कोरेस्पोंडिंग में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, अदरवाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी लिखेगा ही कैसे? यस सर। अच्छा चलो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड में हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम वी हैव? 32। प्रोडक्ट साइड में 31। सो डू यू थिंक वी हैव टू ऐड 1 H2O ऑन दिस साइड एंड 2 H+ ऑन दिस साइड? डू थिंक सब कुछ बैलेंस हो गया है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चार्ज एटम्स, है ना? बट अनफॉर्चुनेटली ये रिएक्शन हम लोग ने एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लिया है कि बेसिक मीडियम में? एसिडिक मीडियम, H+ वाले मीडियम में, है ना? मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना था बेसिक मीडियम में, है ना? तो ये ध्यान से देखना, आसान सा ही है। To convert given acidic medium into बेसिक मीडियम है ना, टू कन्वर्ट गिवन एसिडिक मीडियम इनटू बेसिक मीडियम। इस अगर मुझे H प्लस को हटाना है, so how many OH minus we have to add on both side? टू सर, तो यहाँ 2OH माइनस और यहाँ भी देखो 2OH माइनस ऐड कर दो। तो डू थिंक जो बैलेंस रिएक्शन था उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया ना, अगर दोनों साइड इक्वल नंबर ऐड कर दिया है तो। यस, अब ये 2H प्लस एंड 2OH माइनस मिलके क्या बन गया? 2H2O। रिएक्टेंट साइड में 2H2O है, प्रोडक्ट साइड में 1H2O था, तो रिएक्टेंट साइड में हाउ मेनी H2O रिमेनिंग? एक। तो ये बैलेंस रिएक्शन देखो अब ऐसा हो जाता, 6Fe3O4 plus it is 2 permagnate ion plus 1 H2O remaining on the reactant side. It is 9 Fe2O3 plus let's say 2 MnO2 and do you think ये बच गया बस 2 OH minus? सर वो एक H2 आपने कट कर दिया मतलब। Obviously अगर रिएक्टेंट साइड में भी मेरे पास सेम सब्सटेंस है और प्रोडक्ट साइड में भी मेरे पास सेम सब्सटेंस है, तो जिधर ज्यादा है बस उधर ही लिखूंगा ना मैं। ओके सर, मतलब ऐसा लिखते नहीं बनता ना कि मैं रिएक्टेंट साइड में 2H2O लिखूं और प्रोडक्ट साइड में 1H2O लिखूं, है ना। हाँ इस बच्चे तो एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट किया वो समझ में आ रहा है? यस सर, मुझे ना कोई और डाउट है। आपने जो स्टार्टिंग में Fe3O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +8/3 दिया, तो वो उसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है ना सर? वेरी गुड वेरी गुड, Fe3O4। यस यस यस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बेटा बैलेंसिंग करते समय मैं एवरेज भी लूंगा तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, है ना। हाँ तो सर उसकी जगह अगर समझो किसी रिएक्शन में लेड टेट्रा ऑक्साइड होता तो उसको भी हम लोग मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ही लेते हैं। यस यस यस, उसको भी +8/3 ले लेते हैं हम लोग। हाँ सर भाई। सर डायरेक्टली OH माइनस और H2O नहीं ऐड कर सकते? बिल्कुल कर सकता है, वो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए होता है बेटा, बेटा ना। मैं डायरेक्टली H2O एंड OH माइनस में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए करता था, है ना। नहीं अगर मैं एक साइड H2O ऐड कर रहा हूँ, एक साइड OH माइनस ऐड कर रहा हूँ, तो इफेक्टिवली एक साइड ज्यादा हाइड्रोजन एटम ऐड कर रहा हूँ ना। नहीं हाँ मतलब इसलिए बहुत ज्यादा टफ थोड़ी है कि भी अगर मैंने एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर भी लिया था तो दोनों साइड उतने ही नंबर ऑफ OH माइनस ऐड कर लो। नहीं हाँ सर समझा। चलो देखो मैं एक और ऐसा ही बैलेंस करके दिखा देता हूँ। ये लिख लिया तुम लोगों ने कि नहीं? यस सर लिख लिया। अच्छा बेटा, और ये तुम लोग के पास अगर एनसीईआरटी बुक या स्टेट बोर्ड का बुक है वहां से भी पढ़ सकते हो बेटा। वहां भी रेडॉक्स बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से ही दिया हुआ है। किसी बच्चे ने पढ़ा है एनसीईआरटी बुक से कि नहीं? यस सर पढ़ा है। Yes, हाँ, उसमें भी दिया है ना अच्छे से बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नहीं हाँ सर दिया उसमें। दिया सर। हाँ। ये लिख के हुआ इतना? यस सर। यस सर। चलो मैं एक और रिएक्शन बैलेंस करके दिखाता हूँ। 7th बैलेंस रिएक्शन इज, सपोज दिस रिएक्शन इज Br2 plus KOH will give let's say KBr plus it gave KBrO3 plus let's say it gave H2O. अच्छा ये typically you can say bromine का oxidation number यहाँ 0 है, यहाँ -1 है और यहाँ bromine का oxidation number +5 है। So do you think in given reaction same element get reduced as well as oxidized? Yes sir, disproportionate reaction। तो ये disproportionate reaction का एग्जाम्पल है। ये एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है? सर बेसिक मीडियम है ये KOH है ना, ठीक है बढ़िया। चलो इस रिएक्शन को देखो मैं बैलेंस करके दिखा देता हूँ। डू यू थिंक इस रिएक्शन में मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा Br2 कन्वर्टिंग टू, बेटा KBr जब आयोनाइज करेगा तो कैसे आयोनाइज करेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड K+ एंड ब्रोमाइड आयन है ना। यस सर। तो मुझे K+ लिखने की जरूरत है कि ब्रोमाइड आयन लिखने की जरूरत है, यहाँ ब्रोमाइड आयन, बस ब्रोमाइड आयन वही रिलेवेंट आयन है जिसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना। सिमिलरली इट इज Br2, जो दूसरा प्रोडक्ट है KBrO3, वो कैसे आयोनाइज करेगा वाटर में, उसमें भी सर Br+ है। हाँ मतलब डू यू थिंक K+ एंड ब्रोमेट आयन, यस सर, ये आ जाएगा लेट्स से BrO3-। बेटा BrO3- तो कोवलेंट बॉन्ड होगा ना फिर, मतलब आई होप इतना सब लोगों ने पढ़ लिया है यार कि ब्रोमेट आयन टेक्निकली मेरे पास ऐसा दिखेगा, देखो ये है ना केमिकल बॉन्डिंग के। Yes, sir. तो ये तो मतलब इसमें आयोनिक बॉन्ड नहीं है तो ये फर्दर आयोनाइज नहीं होगा ना, आयोनिक कंपाउंड ही आयोनाइज होता होगा ना, नहीं। Yes, sir. ठीक चलो बढ़िया। अब मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, एक आसान पहले स्टेप लिखेंगे कि दोनों साइड एटलीस्ट हम लोग सेम नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम तो कर ही लें, या तो मैं दोनों साइड मतलब या तो मैं प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या डू थिंक मैं Br2 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, इवेंचुअली सेम ही है। यस सर सेम। ओके अब यहाँ 0 है और यहाँ है -1, यहाँ है 0 और यहाँ है +5। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वी हैव टू एड ऑन दिस साइड, डू यू थिंक 1? 1 1। यस सर। ब्रोमीन 0 से -1 बनेगा। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आई हैव टू ऐड ऑन दिस साइड, 5। बढ़िया। इसको मुझे कितने से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए अभी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट डिजायर्ड बैलेंस रिएक्शन इन लेट्स से आयोनिक फॉर्म। कितना आ जाएगा बेटा, हाउ मच Br2 टोटल, 3 Br2। Very good. So it is 3 Br2 will give ये आ जाता 5 ब्रोमाइड आयन and do you think ये आ जाता BrO3-? Yes. Yes sir ऐसा आ रहा है। अच्छा बढ़िया। अब मुझे देखो ऑक्सीजन एटम्स को यहाँ बैलेंस करना बाकी है। प्रोडक्ट साइड में हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा, 3। So do you think I have to add 3 H2O on this side and technically 6 H+ on this side? Yes sir. But मुझे रिएक्शन को कौन से मीडियम में बैलेंस करना था, बेसिक मीडियम में। अब मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ मेनी OH- had to be added on both side? 6 कर दो। यहाँ 6 OH- और यहाँ भी देखो 6 OH- को हम लोग ऐड कर देते हैं बैलेंस करते समय। ये सब मिला के क्या हो गया है, 6H2O। Do you think यहाँ 3H2O ऑलरेडी था तो कितना बच गया, बस 3H2O। सर K को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ वो देख लेंगे बेटा, और हम लोग ऐड ही कर लेते हैं। चलो यहाँ भी 6K+ और यहाँ भी 6K+ ऐड कर दो, है ना। सो बैलेंस रिएक्शन आ जाता देखो 3Br2+ ये दोनों मिला के क्या हो गया, 6KOH। ब्रोमाइड आयन किस फॉर्म में है, KBr, तो 5 KBr + KBrO3 + let's say it will be 3H2O। हाँ बेटा इसमें किसी बच्चे को कुछ डाउट है सर, आपने K ऐड किया कैसे, K क्यों ऐड किया बेटा। देखो अगर जो ओरिजिनल रिएक्शन है, ओरिजिनल रिएक्शन में जो OH- है मुझे किस फॉर्म में लिखना था उसको, OH- को KOH। तो डू यू थिंक मुझे OH माइनस को KOH के फॉर्म में लिखना था तो 6OH माइनस है रिएक्टेंट साइड में, 6OH माइनस है रिएक्टेंट साइड में, तो 6K+ ऐड होगा कि नहीं होगा? अच्छा ओके सर समझा। और उतना ही K+ मुझे दोनों साइड ऐड कर देना चाहिए बेटा उसके बाद, है ना? हाँ यस बच्चे, ये बैलेंसिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बेसिक मीडियम में क्या करना था मुझे बस? यस सर ये क्लियर है। अच्छा, और अगर मुझे क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना था और बेसिक मीडियम में हो जाता अनफॉर्चुनेटली, तो मैं क्या करता फिर? दोनों साइड सेम नंबर। वेरी गुड है ना, लिख के हो गया ये? यस यस। एक सेकंड सर, एक सेकंड। सर एक मिनट। यस बेटा आराम से लिख लो। अच्छा सर आपने कल जो वो प्लान मिला था ना, टेंटेटिव प्लान, कौन सा आपने कल जो टेंटेटिव प्लान दिया था? हाँ हाँ दिया था ना। हाँ सर, सर केमिकल बॉन्डिंग हमारा खत्म हो गया सर, उसमें 11 नवंबर लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं ना, वो इसलिए देखो टेंटेटिव भी लिखा हुआ है ना। हाँ सर बेटा अच्छी बात है ना, खत्म हो जाएगा तो, है ना, बट एटलीस्ट नाउ यू नो ना कि मेरा नेक्स्ट मेजर टेस्ट कौन सी डेट को है ना। हाँ सर, उसका सिलेबस में भी थोड़ा इधर उधर रहेगा, कई बार ज्यादा होगा, कई बार एक दो टॉपिक कम हो सकते हैं, बट एक बेसिक प्लानर है बेटा वो, है ना। हाँ सर, मतलब पढ़ाना एकदम मैकेनिकल चीज नहीं होती है ना बेटा, मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाता है कई बार, है ना। यस सर लिख लिया। मैं एक और एग्जाम्पल तुम लोग को सिखा के दे रहा हूँ यार, है ना। ये एक और एग्जाम्पल, उसमें हम लोग दूसरा मेथड भी सीख लेंगे, ऑल्दो एक ही मेथड की जरूरत है चाहे तो। नेक्स्ट लेट्स से 8th एग्जाम्पल, सपोज दिस एग्जाम्पल मे बी इट इज C2H5OH। क्या होता है इस कंपाउंड का नाम वैसे? एथेनॉल। यस, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल और आईयूपीएसी नेम इथेनॉल है। सो ये आ जाता C2H3 एंड O माइनस प्लस, ये बन जाता MnO2 एंड डू यू थिंक यहाँ आ जाता H2O? यस और नो? यस। अच्छा चलो, ये रिएक्शन है जिसको मुझे बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करना है। मैं दोनों मेथड से बैलेंस कर करके दिखाता हूँ। एक मेथड वही है जिसको हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं, क्या है ये? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसमें हम लोग किसको बैलेंस करते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर को, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन तो यहाँ देखो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, इट इज C2H5OH। किस में ऑक्सीडाइज हुआ है बच्चे ये? C2H3O। C2H किस में ऑक्सीडाइज हो गया है? C2H3O। यस, सो इट इज C2H3O माइनस में ऑक्सीडाइज हो गया है ना। और डू यू थिंक ये जो पर मैग्नेट आयन है ये किस में रिड्यूस हो गया है बेटा? MnO2 में। यस yes। अच्छा, अब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो बेटा रिएक्टेंट साइड में। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है रिएक्टेंट साइड में? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड में क्या है बेटा? +2 नहीं बेटा, -2 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। यस, और प्रोडक्ट साइड में क्या आएगा देखो? -1। तो ये पक्का ऑक्सीडेशन तो हुआ है। रिडक्शन इज, यहाँ ये +7 था और डू यू थिंक यहाँ ये +4 हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, sum mila ke, how many electrons we have to add on this side? One ki two? दो कार्बन एटम के लिए करना है हम लोगों को. Two, sir, two. So, two electrons on both side, such that भाई दोनों कार्बन मिला के -4 हो जाए ना. एंड यहाँ मैं 3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दूं. रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे करना क्या चाहिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर दोनों रिएक्शंस को देखो ऐड करते हैं. सो ऑन एडिशन इट विल बी 3C2H5OH plus it is 2 permagnate ion will give 3C2H3O minus plus let's say it is 2 MnO2. इतना लिख के होगा कि नहीं? Yes sir. अच्छा, अब मुझे बैलेंस करना बाकी रह गया है ऑक्सीजन या हाइड्रोजन एटम. रिएक्टेंट साइड में हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम वी हैव? 11. प्रोडक्ट साइड में कितना है बेटा? 7. So I have to add, let's say 4H2O on this side plus. अब देखो हाइड्रोजन जब बैलेंस कर रहे हो तो थोड़ा ख्याल रखना. क्या ख्याल रखना? अभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन थे, है ना, तो सीधे सीधे 8H+ मत ऐड करना बेटा, है ना. अब देखो हाइड्रोजन ऑलरेडी मेरे पास रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है, है ना. प्रोडक्ट में सब मिला के कितने हाइड्रोजन एटम थे? अभी 16 हो गए. 17 है बेटा. 9 + 8 है ना, 17 है. और रिएक्टेंट साइड में कितना है? 18. रिएक्टेंट साइड में मेरे पास 18 है ना. तो एक और उधर ऐड करना पड़ेगा. तो मुझे अनफॉर्चुनेटली एक और दूसरी साइड ऐड करना पड़ेगा. यहाँ H+ है ना. यस और नो? यस सर. यस सर. और ये तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया. और अगर मुझे बेसिक मीडियम में बैलेंस करना होता तो क्या लिखना पड़ता है इसको? +OH- दोनों साइड ऐड करना पड़ जाता मुझे. यस सर. यस सर. तो डिपेंडिंग क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मुझे एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है या बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है. हाँ बोल बेटा. तो उस तरफ सिर्फ OH का करेंगे क्या, क्योंकि और कोई कंपाउंड बनेगा नहीं OH- से. हाँ मतलब सिर्फ OH- लिख देंगे ना, उसमें क्या परेशानी है ना. मैं देखो यहाँ भी तो प्रोडक्ट साइड में कोई H+ का सोर्स एग्जैक्टली लिखा नहीं था ना, तो कई बार H+ का सोर्स H2O एज इट इज रिएक्शन में नहीं लिखा हो सकता और हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा बेटा, है ना. ठीक है. अच्छा, ये तो एक मेथड हो गया जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो हम लोग यूजुअली करते आ रहे हैं और तुम लोग थ्रू आउट इससे कर भी सकते हो. बट as per different books are concerned including NCRT, मेरे पास एक और method दिया होता है apart from oxidation number method. ये लिख के हो गया कि नहीं oxidation number method? नहीं सर. नहीं सर. एक मिनट लिख लो आराम से, है ना. मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे तो क्लास में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, कुछ बच्चे एकदम ही शांत रहते हैं, है ना. बोल तो मैंने काफी बार उनसे बोलने की कोशिश किया है. यस सौरभ, तुम हो वहां बेटा? सौरभ रॉय चौधरी. सौरभ तू है बेटा वहां? सौरभ, विराट कोहली तुम हो बेटा वहां? देखो ये बच्चा नहीं बात करता है यार, क्या करूं मैं इस बच्चे का। यस बेटा चैट में नहीं, तुम मुझे वो माइक ऑन करके बोलो। सौरभ तू है? सौरभ बेटा क्लास में पार्टिसिपेट करना है ना, कल तुम लोग का पीटीएम भी है ना? हाँ सर। यस सर। चलो जो बच्चा क्लास में नहीं बोलता है, ओके चलो उस बच्चे को थोड़ी सी परेशानी है, उसके घर पे कोई और भी है जो काम कर रहा है अभी। या सौरभ, चलो सौरभ तुम एक काम करना, क्लास के बाद मुझे फोन करना बेटा, है ना? सौरभ क्लास के बाद तुम मुझे फोन करना, है ना? ठीक। मैं ऐसे कुछ कुछ बच्चों जानना चाहता हूँ यार, है ना? सौरभ इस बच्चों को मैं उतने अच्छे से नहीं जानता हूँ, कुछ कुछ बच्चों को अच्छे से जानता हूँ मैं अब। यस बेटा ये सीख लिया तुम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड? यस यस सर, यस सर। ठीक चलो अच्छा है। अब एक और मेथड होता है, क्वेश्चन हमें दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए इस वाले मेथड? मैं बहुत सारे मेथड, बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा आज सॉल्व करने के लिए, एकदम टेंशन ना लो, है ना? हाँ सर, बेटर क्लैरिटी आ रहा है पहले सर। मैडम मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा पहले, और ये जो जो भी हम लोग लिख रहे हैं ना, इन सब का पीडीएफ बना के भी भेज रहा हूँ तुम लोगों को मैं, है ना? यस सर। कौन से स्टेप्स के बाद क्या किया था वो भी थोड़ा सा आसान रहेगा तुम्हारे लिए। सो दूसरा मेथड होता है, इसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जैसा एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, एक मेथड का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसमें भी सेम ही स्टेप्स हैं नियरली, जैसा ये C2H5OH था, किसमें कन्वर्ट हो रहा था बेटा ये सब मिला के? C2H3O- में, और ये जो पार मैग्नेट आयन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया था? MnO2 में, यही है ना? यस yes. अच्छा तो इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखते हैं, इसमें पहले सारे एटम्स बैलेंस कर लो बस। जैसा मैं सेकंड वाला पहले बैलेंस करके दिखाता हूँ। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा इन पार मैग्नेट आयन? 2। यस सर। मैं यहाँ 2H2O एड कर दूं, सो ऑब्वियसली यहाँ 4H+ लिखना पड़ेगा मुझे। यस सर। इसमें इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पहले हम लोग एटम्स को बैलेंस करते हैं, है ना? अच्छा रिएक्टेंट साइड में जो ऊपर वाला पार्ट है, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम वी हैव? अच्छा ऑक्सीजन तो, यस ऑक्सीजन तो बड़ा ऑलरेडी बैलेंस है ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम एक्स्ट्रा इन रिएक्टेंट साइड? तो 3 आर एक्स्ट्रा। तो अगर मैं सिंपली यहाँ 3H+ लिख दूं तो सब कुछ बैलेंस हो गया कि नहीं? हाँ सर। तो सब कुछ बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवरीथिंग? यस सर। यस सर हो गया। अब देखो हम लोग टोटल चार्ज को बैलेंस करेंगे। टोटल चार्ज मीन्स डू यू थिंक ये सब मिला के यहाँ न्यूट्रल था कि नहीं? यस सर। यस सर। और यहाँ सब मिला के कितना है? +2। यस सर। -1। एक -1 चार्ज है और 3+1 चार्ज है ना? तो डू यू थिंक अगर मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा? यस सर। यस yes. ऐसा ही देखो यहाँ देख लेते हैं, सब मिला के यहाँ कितना चार्ज है? +3। सॉरी अरे +3 है बेटा, 4+1 है, 1 है। अच्छा ये सब मिला के यहाँ क्या है? न्यूट्रल। तो अगर मैं यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा? यस सर। ओवरऑल यस, टू गेट ओवरऑल रिएक्शन इसको मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। और डू यू थिंक इसको मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 3 से। ओके नाउ वी कैन गेट कंप्लीट डिजायर्ड रिएक्शन। सो ये रिएक्शन आ जाता मेरे पास 3 C2H5OH प्लस ये आ जाता मेरे पास टू परमैग्नेट आयन है कि नहीं इतना? सब हाँ बोलो बच्चे। सर H+ का आ गया। हाँ सर H+ ने लिखा। नहीं H+ लिख लेंगे बेटा, अभी लिख लेंगे है ना, क्योंकि H+ दोनों साइड है ना, तो सबट्रैक्ट करके लिख लेंगे एक साथ हम लोग, है ना। अच्छा अच्छा, ये सब मिला के मेरे पास 3 आ गया C2H3O- एंड डू यू थिंक ये आ गया मेरे पास 2 MnO2 एंड डू यू थिंक ये आ गया मेरे पास यहाँ 4H2O। यस सर। अब देखते हैं, देखो H+ का बारी। H+ ऊपर वाली रिएक्शन में कितने हैं? 9H+ ऑन द प्रोडक्ट साइड। यस सर। और रिएक्टेंट साइड में दूसरी वाली रिएक्शन में क्या है? 8H+। यस सर। यस सर। बस एक ही डालना है तो सब मेरे पास, बस यहाँ एक ही H+ डालना है ना। So do you think we are getting the same reaction जो पहले था? Yes sir. Yes sir. बढ़िया आ रहा है। सर आपने वो येलो में क्या लिखा है +3+2? बेटा वो टोटल चार्ज लिखा था बस मैंने, जैसे पारामैग्नेट आयन में एक -1 है और H+4 टाइम्स ऑफ H+ है ना, तो सब मिला के मतलब ऐसा ना बस कि ये यहाँ -1 चार्ज और यहाँ ये +4 चार्ज, तो सब मिला के +3 नहीं बचा होगा ये। हाँ सर टोटल चार्ज उसका। थोड़ा डू यू थिंक वी आर गेटिंग द सेम रिएक्शन जो पहले वाले मेथड से आ रहा था? यस सर। यस सर। यस सर। तो आई होप डू थिंक ये वाला मेथड भी एग्जैक्टली सेम है, बस उसमें पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे, इसमें हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर रहे हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे बस, है ना। हाँ सर ये बेटर है। हाँ सर ये बेटर है, उससे बेटर है, लेकिन इजी भी है। ठीक है, मतलब जो तुम लोग को बेटर लगे, मतलब तुम लोग को इफेक्टिवली बैलेंसिंग करना है रिडॉक्स रिएक्शन का, है ना। सर उसमें क्या था सर, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना पड़ता था, इसमें वो नहीं। हाँ टाइम लगता है। हाँ सर उसमें टाइम लगेगा एक एक का ऑक्सीडेशन नंबर। चलो कोई बात नहीं, बट दोनों का अपना सिग्निफिकेंस है बैलेंसिंग का, है ना। यस सर। ओके सर, मैं तुम लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए भेज भी देता हूँ, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, है ना। सर वो तो मॉडल में होंगे ना। हाँ मतलब अभी भेज ही देता हूँ, कुछ बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन का तुम लोगों को करना ही है ना। मैं अभी भेज देता हूँ, जिससे बाद में मुझे याद रहे कि नहीं रहेगा। तो रेड हाउस में है और नॉन-इंटी वाले बच्चे भी तुम्हारे साथ में आते हैं रेड हाउस के, तो मैं उन बच्चों को भी देखो भेज दिया है ग्रुप पे, है ना। तो आई होप बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा ये कि नहीं होगा आपका? हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। ठीक है बढ़िया, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक अपार्ट फ्रॉम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज द कॉन्सेप्ट नोन एज इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, so equivalent mass में you can say it is amount of different substance, it is amount of different substances which give same chemical result towards given reaction. It is amount of different substances which give same chemical result towards given reaction. For example, सपोज व्हेन सोडियम रिएक्ट विद HCl, क्या बनता है बेटा इसका प्रोडक्ट? सो NaCl plus H2 and you can say it is, let's say, half hydrogen gas as per Balancius concern, है ना? Similarly, if it is, let's say, magnesium, in balance reaction it is 2HCl, it is MgCl2 and hydrogen, and similarly, let's say it is 3HCl and it gave AlCl3 plus 3Y2H2 लिख सकते हैं कि नहीं? Yes sir. हाँ. So from here can we say 23 gram can give 1 gram of hydrogen? हाँ. हाँ sir. अच्छा, यहाँ 24 gram of magnesium. Do you think it can give 2 gram of hydrogen? Yes sir. अच्छा, यहाँ 27 gram. Do you think it gives 3 gram of hydrogen? Yes sir. अच्छा, further can we say to produce 1 gram of hydrogen in given reaction, to produce 1 gram of hydrogen in given reaction, either you can take 23 gram of sodium, you can take 12 gram of magnesium. Do you think you can take 9 gram of aluminium? Yes sir. You can take 39 gram of potassium. You can take 20 gram of calcium. Yes or no? Yes sir. Yes sir. So you can only when treated with HCl, na sir? हाँ, मतलब इस रिएक्शन में बेटा, गिवन रिएक्शन में लेट्स सो कैन वी से ये जो सारे मास हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं? Yes sir. They can produce similar chemical effect in a given reaction. So they may not be physically equivalent. They may not be physically equivalent. उनका let's say mass तो obviously different है, उनका volume different हो सकता है, उनका density different हो सकता है, but they can produce same chemical effect in a reaction, है ना? लिख के हुआ है ऐसा सर? 1 मिनट 2 मिनट। सर बट इक्विवेलेंट मास उस पर भी डिपेंड करेगा ना कि हम कैसा केमिकल इफेक्ट चाहते हैं, मतलब हम हाइड्रोजन की जगह कोई और सब्सटेंस जैसे कोई और एलिमेंट चाहते तो वो इक्विवेलेंट मास भी चेंज हो जाता। यस बेटा, हम लोग ये भी समझेंगे कि एक ही सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट मास है ना, एक ही सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट मास है वो अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग कौन से टाइप का रिएक्शन है ना? ओके सर। हाँ बेटा, वो लिटरल मीनिंग समझ में आ रहा है? इक्विवेलेंट मास का मीनिंग क्या है? यस सर। यस सर। हम लोग अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज डिफाइन भी कर लेते हैं। 1 मिनट सर, थोड़ा लिख रहा था। ये ऊपर वाला नहीं लिखा था तुमने, मिटा दिया? हाँ सर, चलेगा, वो पता है क्या लिखा था। चलो मैं रहने देता हूँ यार, 1 मिनट। हाँ सर, निकाल देखा ना सब बच्चों ने लिख लिया था ये कि नहीं? यस सर, लिख लिया। यस सर। ओके सो मतलब इक्विवेलेंट मास को तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, इट इज अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस which react or displace, which react or displace directly or indirectly. It is the amount of any substance which react or displace directly or indirectly. 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen, 35.5 gram of chlorine, etc. It is the amount of any substance which can react or displace directly or indirectly. 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen, 35.5 gram of chlorine, etc. Etc. means 23 gram of sodium. Etc. means let's say 39 gram of potassium, 12 gram of magnesium, 20 gram of calcium. इस टाइप की चीजें है ना। सर तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल को डिस्प्लेस करते उसको बोल सकते हैं। मतलब हाइड्रोजन एटम के मींस H2 के हाफ मोल ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग। हाँ। H2 का हाफ मोल है ना। यस। अच्छा जैसे डायरेक्ट Cl2 हो जाएगा ना बेटा, वो Cl2 हो या Cl हो मास तो सेम ही रहता है ना बेटा। Cl2 तो क्लोरीन का फॉर्म है बेटा, उसको मैं Cl लिखूंगा या Cl2 लिखूंगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं उसको 1 gram of H लिखूंगा या H2 लिखूंगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट इज हाइड्रोजन है ना, मास तो उतना ही रहेगा उसका। मतलब आधा मोल ऑफ H2 फुल मोल ऑफ H ऐसा बोल सकता है तू। सर तो आधा मोल ऑफ O2 और आधा मोल ऑफ O। हाँ और O2 में तो फिर 16 ग्राम आता है ना। हाँ सर। देखो यहाँ अभी जो मैंने रिएक्शंस लिखे थे वो वापस से देख लेते हैं। देखो या मैं एक और रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ, जैसा सपोज एक रिएक्शन में यहाँ लिख देता हूँ सोडियम कंबाइन विद, if sodium combine with H2O, ये समझ में आता है कि इसका प्रोडक्ट बन जाता है NaOH and half H2 बनता है कि नहीं बनता है। या मैं HCl वाला ही रिएक्शन वापस वही रिएक्शन ले लेते हैं जिससे तुम लोग को एकदम कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये HCl है। इसमें क्या बना रहा था बेटा, ये NaCl बना रहा था और half H2 बना रहा था कि नहीं। यस सर। अच्छा इस रिएक्शन में डू यू थिंक सोडियम का 23 ग्राम रिएक्ट विद 1 gram ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्ट विद 35.5 gram ऑफ क्लोरीन? यस और नो? यस सर। अच्छा ये डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ है कि HCl के साथ रिएक्शन हुआ है? इनडायरेक्ट हुआ है। तो कैन वी से इनडायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ 1 gram के साथ रिएक्शन किया है उसने, है ना। एंड इट डिस्प्लेस 1 gram ऑफ हाइड्रोजन, है ना। यस और नो? बट ये समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेस या रिएक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन सबका मीनिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? यस सर। ठीक है चलो मुझे 3 क्वेश्चन करके दिखाना आसान आसान से इसके बेस पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज if a metal hydride if a metal hydride consists 5% of hydrogen, then find out equivalent mass of metal. If a metal hydride consists 5% hydrogen, then find out equivalent mass of metal. इसमें उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तुम लोग आंसर कर सकते हो। सेम समझ आएगा दोनों में, निशान करते हैं। हरिप्रिया बेटा थोड़ा सा आंसर गलत है तेरा बस। वरुण नहीं बेटा तेरा आंसर सही, तेरा आंसर भी थोड़ा सा ही गलत है, मैं ऐसा बोलूंगा, है ना। शुभम प्रजापति नहीं बेटा, थोड़ा सा तुम लोग कहीं कुछ मिस कर रहे हो। नहीं शुभम, यस केविन तेरा आंसर सही है बेटा, है ना। तनिष्क नहीं बेटा तेरा आंसर सही नहीं है। मानस नहीं बेटा, थोड़ा सा कुछ मिस कर रहा है तो। केविन तेरा आंसर सही था बेटा, है ना। चलो मैं बताता हूँ, फिर बाकी बच्चे भी सब अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। कैन वी से मेटल हाइड्राइड का फार्मूला मैं ऐसा लिख लूं, MHX। यस सर, अगर मेटल का वैलेंसी x है। यस स्निग्धा तेरा आंसर भी सही है बेटा, है ना। तो मैंने इसको MHX लिख लिया है। सो कैन वी से आउट ऑफ दिस 100 ग्राम, इसमें से m का मास कितना होगा बेटा? 95 ग्राम। और इसमें से हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 5 ग्राम। यही है ना 5% का मीनिंग। यस सर, यस सर। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, जब भी ये कंपाउंड बना होगा किसी भी मेथड से, है ना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि कैसे ये कंपाउंड बना है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, डायरेक्टली मेथड, इनडायरेक्टली मेथड, एनीवे, जब भी ये कंपाउंड बना है 95 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन विद 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो डू यू थिंक इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल शुड बी इक्वल टू यूनिटरी मेथड हम लोग अप्लाई कर ले भाई, क्या 5 ग्राम के साथ 95 ग्राम कंबाइन हुआ था, तो 1 ग्राम के साथ कितना कंबाइन होगा? यही है ना, विच कैन कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां से मेरे पास आंसर आ जाता 19 ग्राम। हाँ बेटा, क्लियर है कि नहीं? यस सर। सर आप लास्ट पार्ट एक बार वापस समझा सकते हैं? यस बेटा, मैं बताता हूँ भाई, मेरे पास इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन क्या था, विच कैन कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। यस सर। तो 5 ग्राम के साथ 95 कंबाइन कर रहा था, तो 1 ग्राम के साथ कितना कंबाइन करेगा? 19। यस सर। तो आंसर मेरे पास 19 आ गया इसका। यस बड़ा, ये लिख के हुआ तुम लोगों का? नहीं सर। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? यस बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है ये? यस सर। लिख के हो गया है पूरा? यस सर। हाँ सर, हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2। on burning of given metal if its mass is increased by 24%. Then find out equivalent mass of metal on burning of given metal if its mass is increased by 24%. Find out equivalent mass of metal. जैसे बच्चे ये आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुम लोगों से। बर्निंग में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, मैं आसान सा बता रहा हूं तुम लोगों को। Metal, metal plus oxygen will give metal oxide. नहीं वरुण बेटा, अमन नहीं बेटा, तेरा आंसर सही नहीं है। अस्मी तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है बेटा। अमोघ मलागी नहीं। यस, सिद्धि मालीवाल तुम्हारा आंसर सही है बेटा। आशिका पाठक तुम्हारा आंसर भी सही है। हरिप्रिया तुम्हारा आंसर भी सही है। नमन शेट्टी, केविन जिंदल तुम लोगों का आंसर सही है ना। शुभम विनित तुम्हारा आंसर गलत था। ये देखो कुछ कुछ बच्चों ने मुझे सही आंसर बताया है। इसका देखो आसान मीनिंग है कि अगर मेटल का सपोज 100 ग्राम था, सपोज है ना, मेटल का सपोज अगर 100 ग्राम था तो डू यू थिंक ये सब मिला के 124 ग्राम हो जाना चाहिए? यही है ना 24% इंक्रीज का मीनिंग। यस सर। यस आयुष सिंह तेरा भी आंसर सही है बेटा। तो डू थिंक ऑक्सीजन जो कंबाइन हुआ होगा वो 24 ग्राम कंबाइन हुआ होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। यस और नो? हां सर, हां सर। सो यू कैन से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, है ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल शुड बी इक्वल टू 100 ग्राम कंबाइन हुआ था 24 के साथ, तो 8 ग्राम किसके साथ कंबाइन होगा वो फाइंड आउट करना है। सो डू यू थिंक ये आ जाता ऐसा 100/3 और आ जाता 33.33 ग्राम। हाँ बेटा क्लियर है कि नहीं? यही तुम डिफाइन कर रहे थे, इक्विवेलेंट मास व्हिच कैन कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यस सर। बड़े क्वेश्चन और तुम लोग क्या गलती कर रहे थे वो समझ में आया तुम लोगों को कि नहीं? हाँ सर। यस सर। सर इनटू 8 नहीं किया सर। अच्छा इनटू 8 नहीं किया था तुमने, इनटू 1 करके छोड़ दिया। हाँ सर मैंने भी ना, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन था तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है साथ में, है ना। तो मैंने तो 76 ग्राम का मेटल ले लिया था। ठीक है, ये समझ के हो गया दोनों क्वेश्चन? यस सर। यस। नेक्स्ट तुम लोग लिख सकते हो, इट इज ठीक, सो इट इज लेट्स से फार्मूले, फार्मूले ऑफ इक्विवेलेंट मास। First one, you can say for element equivalent mass should be equal to, you can say atomic mass or atomic mass divided by, you can simply say their valency, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी। एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई देयर वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल डू यू थिंक सोडियम के लिए ये हो गया था 23/1, मैग्नीशियम के लिए ये हो गया था 24/2, एल्युमिनियम के लिए ये हो गया था 27/3। यस और नो? यस यस। अच्छा तो ये जो फार्मूला है बेटा वो उसी बेसिक डेफिनेशन से ही आया है ना, विच कैन कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। जो बेसिक डेफिनेशन है उसी से ये फार्मूला आ जाएगा, है ना। अच्छा नाउ सपोज इफ इट इज Fe रिएक्ट विद HCl, इट कैन गिव FeCl2 + H2, and another reaction may be when Fe react with HCl, it can give FeCl3 plus ये 3/2 H2 हो सकता है कि नहीं? Yes. So, इस वाले केस में इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन इज 56/2 और इस वाले केस में इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन इज 56/3। तुम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई वैलेंसी अगर वैरी होगा तो इक्विवेलेंट वेट भी वैरी हो जाएगा, सिंपल सा। यस। नाउ एज पर सोडियम मैग्नीशियम अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर कंसर्न्ड, डू यू थिंक उनका इक्विवेलेंट वेट कांस्टेंट ही रहेगा, उनका वैलेंसी कांस्टेंट होता है? यस सर। चलो ये लिखो और इसको समझो। समझा है वैसे तुम लोगों ने? नहीं सर, उनका अल्कली मेटल्स का इक्विवेलेंट मास इक्वल टू उनका एटॉमिक मास ही हो जाएगा बेटा। यस क्योंकि उनका वैलेंसी तो हमेशा सर डोमिनेंट वैलेंसी वो लेना है ना सर? नहीं बेटा, डोमिनेंट वैलेंसी नहीं, उस रिएक्शन में कौन सा वैलेंसी है। तो यूजुअली अल्कली मेटल का वैलेंसी हमेशा 1 ही है, तो उसके लिए रिएक्शन दिया होने का जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम के लिए रिएक्शन दिया होने का जरूरत ही नहीं था। यस, मुझे आयरन के लिए रिएक्शन दिया होने की जरूरत है, आयरन का वैलेंसी चेंज हो सकता है। हाँ सर, इसलिए मैंने जिस बड़े एलिमेंट के लिए क्लियर है कि नहीं तुम लोगों को? यस सर, क्लियर है। लिख के भी हो गया है? यस सर। यस सर। ओके सो ऐसा ही बी पार्ट यू कैन से 4 एसिड सर, एक में जा सकते। यस यस सर, थैंक यू। सो 4 एसिड्स यू कैन से इक्विवेलेंट मास शुड बी इक्वल टू, you can say molecular mass divided by you can say number of H+ ion get replaced or furnished for acid equivalent weight is molecular mass divided by number of H+ ion get replaced or furnished, you can say per molecule. It is also known as basicity of the acid. It is also known as basicity of the acid. फॉर एग्जाम्पल यस, मेरे पास अगर एसिड HCl है, मेरे पास एसिड अगर HNO3 है, मेरे पास एसिड यू कैन से HClO4 है, और या अगर मेरे पास एसिड लेट्स से सपोज Cs3COH है, तो इसमें कितने H प्लस पर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो सकते थे? सब में एक ही H प्लस रिप्लेस होता है इनमें से? नहीं, सब में वन। हाँ सर, HCl का क्लोराइड आयन बनता है, HNO3 में नाइट्रेट आयन बनता है, HClO4 में ClO4 माइनस बनता है, और एसिटिक एसिड में एसिटेट आयन बन जाता है ना। तो इन सब के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इक्विवेलेंट मास शुड बी देयर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1। यस सर। नाउ सपोज इफ एसिड इज H2SO4, if acid is let's say H2CO3, इन सब के लिए क्या हो सकता है? N/2। इन सब के लिए देखो मैं ऐसा लिखने की कोशिश करता हूँ ना, equivalent mass should be molecular mass divided by 1 or it may be molecular mass divided by 2 depending on the reaction we have. Yes. For example, if it is H2CO3 when treated with NaOH, तो देखो मेरे पास ऐसा रिएक्शन भी हो सकता है NaHCO3 प्लस वाटर, या मेरे पास ऐसा रिएक्शन भी हो सकता है when treated with 2NaOH, it will give Na2CO3 plus 2H2O imbalance reaction. So in this case, can we say equivalent weight will be nothing but molecular mass divided by 1, and in this case, can we say molecular mass divided by 2? Yes. अच्छा, if no reaction is mentioned to you, but अगर कोई reaction नहीं दिया है, तब H2SO4 के लिए क्या ले सकते थे हम लोग basicity? M/2 sir. 2 sir direct. वो हम लोग directly 2। अच्छा, थोड़ा कुछ और टर्मिनोलॉजी भी तुम लोग और लिख सकते हो, जैसा ये जो सारे एसिड्स हैं दे नोन एज मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड मीन जिनका बेसिसिटी 1 था। इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट्स से ये सब क्या है, डाइबेसिक एसिड है। वो मैक्सिमम 2H+ आयन फर्निश कर सकते थे, है ना। बेटा ये समझ के हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर। और मैं फिर से उस चीज को रिपीट कर दूं, बेटा ये जो भी फार्मूले हम लोग लिख रहे हैं वो जो बेसिक डेफिनेशन है उससे डिराइव कर सकते हैं हम लोग, है ना। जो बेसिक डेफिनेशन है उससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं इसको। सर एक बार आप CH3COOH के लिए समझा सकते हैं? यस बच्चे, देखो CH3COOH के लिए ना अभी समझाता हूँ। ये पहले लिख लिया तुमने? यस सर। नहीं सर, एक सेकंड, चलो एक बार लिख लो, फिर मैं CH3COH का भी समझाता हूँ। चलो मुझे ये बताने की कोशिश करना बेटा, CH4 एसिड है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। अच्छा, नहीं है सर। और HCl एसिड है कि नहीं है? है सर, HCl। ये दोनों में तो हाइड्रोजन ही था, तो एक एसिड है एक एसिड नहीं है, ऐसा क्यों है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव की वजह से। अच्छा वेरी गुड, चलो हम लोग ऐसा एसिडिक एसिड को भी समझ भी लेंगे। देखो इस टाइप का इस बड़ा नीचे का लिख के हो गया है कि नहीं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, उसके इक्विवेलेंट वेट। हाँ सर, यस सर, पूरा हो गया। चलो बढ़िया। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग तो मोर ऑफ लेस तुम लोग का हो ही गया है ना अब, है ना। यस बच्चे, हो गया ना केमिकल बॉन्डिंग काफी पोर्शन। यस सर, खत्म हो गया। हां सर, खत्म हो गया हमारा। चलो पूरा ही खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, अच्छा बात है। सो ये हम लोग देख भी सकते हैं, देखो इस टाइप का एनी हाइड्रोजन any hydrogen which is directly attached, any hydrogen which is directly attached with more electronegative halogen or oxygen atom is, you can say, found to be replaceable, found to be replaceable or ionizable, ऐसा बोल सकते हैं, है ना? हाँ बेटा, ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होगा तो ही तो आसानी से आयोनाइज कर सकता था। यस सर। जैसा फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ एसिटिक एसिड, इसका जो स्ट्रक्चर है एसिटिक एसिड का, वो देखो ये है, H कनेक्टेड है, यहाँ डबल बॉन्ड O है एंड OH है। तो डू यू थिंक बस यही वाला जो हाइड्रोजन है विच डायरेक्टली अटैच विद ऑक्सीजन इज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन? यस सर, यस सर। सो यही वाला जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेसेबल है and thus इस एसिड का जो बेसिसिटी है वो 1 है। थोड़ा क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। अच्छा, तुम लोग को फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं? H3PO4, H3PO3, H3PO2, something like this? Yes sir. Yes sir. हाँ, क्या कॉमन होता है उसमें सब में? उन एसिड्स के स्ट्रक्चर में क्या चीज कॉमन है बेटा सब में? सेंट्रल एटम फास्फोरस होता है सर। ऑब्वियसली सेंट्रल एटम फास्फोरस होता है। और क्या कॉमन होता है उसमें? सर रिप्लेसेबल सिर्फ दो ही रहते हैं मेरे पास। नहीं बेटा, मैं चलो वो डिपेंड होता है ना रिप्लेस। मैं एक हिंट देता हूँ, क्लास 12th के लिए भी बहुत सारे 10 से ज्यादा ऑक्सी एसिड होते हैं फास्फोरस के बेटा, है ना? फास्फोरस के 10 से ज्यादा ऑक्सी एसिड हैं। सो यू कैन से इन ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, इन ऑल ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, you can say geometry around phosphorus atom is tetrahedral, is tetrahedral, and phosphorus is, you can say, pentavalent with, लेट्स से ये स्ट्रक्चर है हमेशा, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो जितने भी मेरे पास फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं सब में फास्फोरस ऐसा है। अगर मुझे इतना लाइन याद है तो मैं फास्फोरस के सारे ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर आसानी से बना सकता हूं, है ना? Yes, इसका कोई खास कारण? अच्छा, वो सब देख लेंगे बेटा, पी पाई, डी पाई, बैक बॉन्डिंग, वो सब बहुत कहानी आएगा अभी, है ना, केमिस्ट्री में। अभी के लिए बस अगर सपोज मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है H3PO4 का या H3PO3 का या H3PO2 का, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय बस पहले मैं तीनों के लिए ऐसा ड्रॉ कर दूं। देखो, पहले तीनों के लिए ही मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूं। पहले वाले केस में हाउ मेनी मोर ऑक्सीजन रिमेनिंग? 3। 3 ऑक्सीजन और ऐड कर दिए। दूसरे वाले केस में बस और 2 ऑक्सीजन है, और नेक्स्ट वाले केस में बस 1 और ऑक्सीजन है ना? यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो तीनों के स्ट्रक्चर बन गए आसानी से। Yes, sir. Yes. Achha, now as per equivalent mass is concerned, do you think ये my1 भी हो सकता है, ये my2 भी हो सकता है और my3 भी हो सकता है? Maximum it serve as a tri-basic acid. सर फर्स्ट वाले के लिए ना, सबके लिए फर्स्ट वाले के लिए उसमें 3H है ना जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हाँ सर, दूसरे वाले के लिए वो my1 हो सकता है या my2 हो सकता है, और थर्ड वाले के लिए तो बस वो my1 ही होगा बस। Only one hydrogen directly connected with oxygen in the case of H3PO2. बच्चे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को? Yes sir. Yes sir. अच्छा, if no reaction is given, अगर कोई रिएक्शन नहीं गिवन है तो H3PO4 का बेसिसिटी में क्या लिखूंगा? 3. H3PO3 के लिए क्या लिखूंगा? 2. और H3PO2 के लिए क्या लिखूंगा बेटा? 1. ठीक, बढ़िया। इतना लिख के हो गया तुम लोगों का ये? नहीं सर, 2 मिनट लिख डालो। तो आपने स्टेटमेंट में सेकंड लाइन में पी के बाद क्या लिखा है? पी इज पेंटावेलेंट बेटा ना, P is pentavalent means phosphorus 5 bonds बनाएगा। Yes sir. Done sir. Done. Good. Very good. Nice sir. चलो जिन बच्चों का नहीं भी हुआ है, ये ऊपर वाला तो हो ही गया था ना, एसिड्स। Yes sir. SiC पार्ट हम लोग लिख सकते थे for base, for bases, for bases equivalent mass should be equal to molecular mass divided by instead of let's say number of H plus, बस मुझे यहाँ क्या लिखना था? Number of OH minus and instead of acidity you can say it is, sorry, instead of basicity you can say it is acidity. Acidity of the base है ना? यस बड़ा भी नीचे वाला लिख के हो गया है कि नहीं? फॉस्फोरस। यस सर। यस सर। Now in this case, now suppose if it is, for example, if it is NaOH, if it is KOH, if it is let's say ammonium hydroxide, same let's say if it is cesium hydroxide, do you think in sab ke liye equivalent mass, yes, कितना हो जाता है इन सब का equivalent mass? m by 1 molecular mass divided by 1, yes। अच्छा, और मैं इनको ऐसा ही बोल सकता हूँ, ये सबके सब मोनो एसिडिक बेस है। यस सर। जैसे हम लोग मोनो बेसिक एसिड बोलते थे है ना। Similarly, if it is magnesium hydroxide, let's say it is calcium hydroxide, it is zinc hydroxide, इन सब के लिए इफ नो रिएक्शन इज गिवन टू यू, यू कैन ऑलवेज से My2 यस। और इनको मैं नाम बोल सकता था कि ये लेट्स से डाई एसिडिक बेस है, और इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। हाँ बेटा, ये समझ के हुआ है कि नहीं? यस सर, समझा। यस